तो गाइस आप सबको स्वागत है एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो के अंदर। लेकिन आज की वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं एक और चैलेंज, मतलब वही चैलेंज जो कि हमने पहले कर रखा है, जिसका नाम है मॉब्स को आज हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेपन्स के अंदर। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड आज का अपना गोल है कि अपन को डायमंड्स ढूंढना है, एंड ये वाला चैलेंज अपन को कैसे भी करके हम कंप्लीट करना है। एंड ये है पार्ट टू, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। एंड आपको पता ही होगा अपन को शुरू में बनाना पड़ेगा एक वेपनाइजर, जिससे अपन मॉब्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वेपन्स में। तो वो बनाने के लिए अपन को आयरन एंड स्टिक्स एंड ग्लास लगेंगे, जो कि अपन को ढूंढना पड़ेगा। बाकी आयरन तो मेरे को दिख चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले वुड ले लेते हैं देन मारेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास कि उस दिन की तरह अपन खाली बैठे बैठे हाथों से मारे। तो पहले अपन एक काम करते हैं, या तो एक्स या कुछ सॉर्ड वॉर्ड बना लेते। मैं सोच रहा हूँ कि सारे के सारे टूल्स बना लेता हूँ, तो फटाफट से जल्दी से वुड ले लेते हैं। एंड इतने दिनों से क्यों वीडियो नहीं आ रही थी, ऐसी नहीं आ रही थी, मतलब हाँ यार थोड़ी क्या है कि हमारे इस कमरे की एसी खराब हो रखी है। अभी मैं गाइज गर्मी में गाइज वीडियो बना रहा हूँ यार, सब्सक्राइब करा दो इसी बात के लिए। तो इतनी चीज़ें बन गई, पिकैक्स में बना लेते हैं फटाफट से। ओके गाइज, अब अपन को चाहिए आयरन, तो पहले तो एक खाना ले लेते हैं ऊपर छोड़ने के लिए, वरना गाइज ये गोलम अपन को छोड़ेगा नहीं। तो फटाफट से ये ले लेते हैं, इससे अपन ऊपर चढ़ेंगे। खाएं बेटा, अरे भैंस की भाई अलग ही, बहुत ज़्यादा अलग है भाई ये विलेज, तगड़ा ही विलेज है भाई, ऊपर जाना। ओह फाइनली गाइस, जिसमें भी टाइम लग गया लेकिन इतना नहीं लगा उस दिन की तरह, वरना उधर तो भाई मार नहीं पता है। अब देखते हैं गाइस कितने अपन को आयरन मिल चुके हैं, 5 आयरन मिल चुके हैं, काफ़ी है भाई उस बनाने के लिए। अब अपन को चाहिए स्टिक्स, तो फटाफट से स्टिक्स तो अपने पास है। अपन को चाहिए सैंड, जिससे अपन उसको पका के एंड बना पाए ग्लास। तो ये रही भाई सैंड भी मिल चुकी है, ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हाँ 2 की ज़रूरत है, ज़्यादा की नहीं है। अब अपन को चाहिए स्टोन, वो भी मिल चुका है अपन को, ज़्यादा नहीं चाहिए, 8 स्टोन चाहिए। एंड हाँ हो गया अपना काम भाई, जल्दी से 8 स्टोन लेते हैं। ओ भाई मैं तो भूल ही गया था भाई, पूरा पानी में बना हुआ है भाई ये पूरा का पूरा विलेज गाइस, पानी में बना हुआ है। नीचे देखो भाई क्या है ये, भाई ये सीड बहुत तगड़ी है यार, ये सीड गाइस, ये वाली सीड तो भाई अपने कोई सर्वाइवल में डाल के खेलूंगा मैं इसकी टांग। मेरी किस्मत मतलब थोड़े दिनों से बढ़िया चल रही, थोड़े या बहुत दिनों से, पहले भी ये वीडियो में बोला था मेरी भाई किस्मत चल तो भाई बहुत तगड़ी रही है। तो फटाफट से यहाँ पे एक फर्नेस बनाते हैं, एंड अपने पास स्टिक्स है, स्टिक्स से ही पका लेंगे, वैसे भी इतनी स्टिक्स की अपन को जरूरत है नहीं। तो फटाफट से सैंड पका लेते हैं, एंड फिर गाइस चलते हैं सीधा डायमंड ढूंढने। मैं सोच रहा हूँ स्काउ की जो एबिलिटी है, मतलब जो वेपन है, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। आपको पता ये उससे गाइस खड्डे हो जाते थे, तो उससे ही गाइस अपन डायमंड ढूंढने वाले हैं। हो चुका है गाइस काम, अब फटाफट से क्या है रेसिपी, तो इधर भाई बूट्स नहीं बनाने, अभी तो मैं बूट्स बना लेता। अच्छा इधर से स्टिक्स तो निकालो, तो इधर एंड हाँ ये रहा, इसके टेक्सचर नहीं आ रहे, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से तोड़ते हैं। एंड बाकी मैं थोड़े से और ले लेता हूँ। अबे यार नीचे का क्यों तोड़ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था लगाओ नहीं, ठीक है। तो एक मैं यहाँ से पिकैक्स बना लेता हूँ, जल्दी से जल्दी पिकैक्स बन जा भाई। हाँ पिकैक्स बन गई, अब इसको तोड़ते हैं। ओके गाइस अभी मैं ऊपर चलते हैं फटाफट से, और अब चलते सीधा डायमंड ढूंढने। उससे पहले अपन मॉब्स से बहुत सारे वेपन्स लेने वाले हैं, बाकी पहले इससे लेते हैं, बन जा भाई। ओ रात होने वाली है, ये है गाइस इनका जो है टेक्सचर नहीं आ रहा है, पर पता नहीं बिना टेक्सचर के काम चलाना पड़ेगा। बाकी ये देखो आप, तो इससे खड्डे नहीं हो रहे क्या, पहले तो हाँ हो रहे हैं खड्डे, अपन इनसे जो है सही से काम कर सकते हैं, लेकिन यार इससे डैमेज भी बहुत ज़्यादा भयंकर हो रहा है अपने। ओके गाइस अभी पहले सोते हैं फटाफट से, खाना वाना ले लेते हैं, खाने की बिल्कुल कमी नहीं है, फटाफट से सोते हैं भाई, खाएं, कोई जगह दे ना सोने की, इनके पास बेड नहीं है क्या। ओके गाइस अभी मैं सो के उठ चुका हूँ, एंड सुबह भी हो चुकी है। वैसे मेरे को सुबह नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अपने को स्केलेटन वगैरह सब मिल जाते वेपन्स, बट क्या कर सकते हैं, अपने पास बहुत ज़्यादा तगड़ी पहले से ही आ चुकी है एक वेपन, बस इतनी हेबल्स काफ़ी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं सीधा जाने वाला हूँ डायमंड ढूंढने, आज ये वाला चैलेंज खत्म करके ही रहूँगा, अच्छा है कुछ भी हो जाएगा। ये जल्दी से कितने ब्रेड बन गए, 21 भाई काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने पास एक आयरन में इससे शील्ड बना लेता हूँ, मरने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ओके इतने वुड काफ़ी रहेंगे मेरे हिसाब से, अब बनाते फटाफट से शील्ड लाइक दिस, और ये बन गई अपनी शील्ड, फटाफट से इसको पहनते हैं और अब चलते हैं गाइस सीधा माइनिंग पे। बाकी ये देखो भाई दमा आप इसको, ए कोई मर जाए, ओ मेरे को देख सकते हो गाइस, इससे अपन को खूब तरीके के स्पीड बूस्ट वगैरह फायर रेजिस्टेंस मिलती है, मतलब मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बाकी ये क्या है भाई, आयरन इधर ही भाई, मौज हो गई, मैंने तो इसको इग्नोर किया भाई, इतनी देर से दिखाई नहीं मेरे को, तू क्या आ रही है भाई सामने से, हट जा भाई। ओके वही मरी नहीं,
मर जा भाई, इनको भी गाइस निपटाते हैं फटाफट से। 3-2-1। ओए ओए भाई 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 प्लीज, ये क्या पॉइजन कहां से लग गया मेरे? खाना खाते रहना भाई, मरना नहीं है इतनी जल्दी भाई। मैं डायमंड्स ढूंढना है भाई मेरे को भाई। क्या है पॉइजन, कितनी देर लगे रहेगा? 2 सेकंड और। बच गया भाई, दिल की धड़कनें तेज कर दी भाई इसने फुल। और यार मेरे को एक वो दिखाता ना यहाँ पे, क्या बोलते स्मिथिंग टेबल दिखी था शायद, वो पता नहीं क्या था। बस तो बहुत दिन हो गए मेरे को स्मिथिंग टेबल में जाते हुए, पूरी आग लग गई भाई इधर। मेरे को पॉइजन कैसे मिला पता नहीं। स्मिथिंग टेबल वो है क्या भाई? अभी मेरे को दिखा दो तो कहीं ना कहीं पे, बट पता नहीं, देखना पड़ेगा। और स्पीड बूस्ट है भाई अपने पास। पॉइजन पता नहीं कौन कहाँ से मिल गया भाई, अपन को पता ही नहीं लगा। बाकी यार अब सीधा चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से माइनिंग स्टार्ट करूँगा तो मिलेगा नहीं कुछ, उधर चल के माइनिंग करते हैं फटाफट से। उनको कैसे भी करके डायमंड ढूंढने, अगर स्मिथिंग टेबल में डायमंड्स हुए तो। मेरे को यार दिखा था यार, 100% मेरे को दिखा था यार, कहीं पे विलेज पड़ा है, ढूंढना पड़ेगा उसको वापस पर, ढूंढ लेंगे। बट मेरे को यार दिखा तो था, पता नहीं वही था या नहीं था, बट यार चांसेस है कि वही था। उस साइड देखते हैं, क्या पता उधर हो। बाकी इधर से भी लूट ले लेते हैं, कोई लूट नहीं है भाई इधर तो। यार स्मिथिंग टेबल मिल, ओह है बोरी बोरी, मैंने बोला था ना वही है ना। चलो भाई फटाफट से देखते हैं, क्या पता डायमंड्स मिल जाए भाई उसके अंदर। अब ये वाला चैलेंज कंप्लीट कर दे। और अगर आप चाहते हो कि गाइस एंडर ड्रैगन को अपन इसी मोड से मारे तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी बाइट पहले डायमंड्स तो मिल जाए, डायमंड्स मिल जाए तो काम हो जाए, मजा आ जाएगा भाई। गाइस देखते हैं कि क्या मिलने वाला है अपन को भाई। डायमंड्स मिल गए ना, मैं यहाँ के भाई कूदने लग जाऊंगा, सच बता रहा हूँ भाई। प्लीज भाई अपन को काश मिल जाए। ओ भाई चैलेंज कंप्लीटेड भाई, यस गाइस। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो भाई सेकंड्स में, मतलब मैं क्या पता भाई बिना इसको भाई शार्पनेस बन दे रहा है ये लौंडा भाई। अब जरूरत नहीं भाई, निकल तुम्हारे यहाँ से भाई। ये वाली सीड बहुत ज्यादा तगड़ी है, मतलब भाई ये वाली सीड में तो भाई मैं अपना वर्ल्ड बनाना चाहूंगा भाई, मजा आ गया गाइस। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। एंड अगर आप चाहते हो इसी मोड से अपन मारे एंडर ड्रैगन को तो कमेंट जरूर से कर देना। तो बाय बाय।